फ्रेंड, कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया हो गए। उसी आशा के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एज ए होम मेकर, मैं कहूँगी होम मेकर, हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, अपने घर के मेंबरों का ध्यान रखते हैं, और ऊपर से जो भी घर में सामान रहता है उसका भी ध्यान रखते हैं। सबकी खुशियों के बारे में सोचते हैं और अपनी खुशियाँ बिल्कुल ही भूल जाते हैं। भूल तो क्या जाता है, कितना घर का काम रहता है कि टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मैं कहूँगी कि वो मी टाइम भी आपको मिलेगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के वीडियो में, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे और बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और आज के वीडियो में बहुत सारा स्पेस सेविंग आइडिया है जो अपना के आप छोटे से घर को बड़ा दिखा सकते हैं, छोटे से वार्डरोब को बड़ा दिखाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले आइडिया में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर दही के डिब्बे की जो लीड रहती है उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर वाइट ही थी तो मैंने एज इट इज़ रखा है, कोई कलर वगैरह नहीं किया है। और स्टिकर निकाल के फिर इस तरह का मेरे पास और एक वॉल स्टिकर पड़ा हुआ था जिसमें लूज की पैटर्न बनी हुई थी। तो कुछ भी नहीं करना है, इस लूज को रैंडमली हमें कट कर देना है। अलग अलग टाइप के लूज में कट कर दूंगी और फिर हमें क्या करना है, बीच में से ऐसे कट लगा के फिर अंदर का जो वाइट पार्ट है उसको निकाल लेना है, जिससे कि वो रियल में जैसे फ्लावर हो या इस तरह के लीव्स हो वैसे लगे। और फिर हमें कुछ भी नहीं करना, इस लीड के ऊपर एज इट इज़ आपको इस तरह से जिसे वॉल स्टिकर हम लगाते हैं उसी तरह से लगा देना है। यहाँ पर 3 लीड का मैंने यूज़ किया है। आपके घर में कितनी वॉल को आपको कवर करना है उस हिसाब से आप लीड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। फिर डबल साइड टेप लगा के फिर मैं अपने बेडरूम में जो बेड है उसके पीछे वाले एरिया में इस तरह से प्लेस कर दूंगी। और ये आइडिया कैसा लगा, कोई भी कर सकता है, एकदम जीरो कॉस्ट में है। और यहाँ पर आपको पेंटिंग बहुत ही अच्छी आती हो तो आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे आइडिया की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो डेट्स का प्लांट रहता है उसकी इस तरह की जो ब्रांच थी वो मैंने ले ली है। थोड़ी अनइवन थी तो मैंने इसको कट करके अच्छा सा शेप दे दिया है और फिर हम इसमें कलर करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि इसमें सिल्वर कलर करते हैं, फिर मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के स्प्रे पेंट का यूज़ किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से ऊपर नीचे और बीच में कलर कर लेना है। और थोड़ा ब्लू कलर का डॉट डॉट भी मैंने कर लिया था कलर वगैरह। और फिर इस तरह के फ्लावर वास में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है, एकदम जीरो कॉस्ट में आइडिया है। आई होप कि आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है हमारा केबल टाई के ऊपर। इस तरह से केबल टाई बहुत सारी हमारे घर की परेशानी दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर खरीद रही हूँ। आप इस तरह से लूप बना दीजिए। यहाँ पर 4 केबल टाई का मैंने यूज़ किया था। इस तरह से लूप बनाने के बाद एकदम स्पेस सेविंग, या आप कह सकते हो वार्डरोब स्पेस सेविंग आइडिया भी कह सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हम इच्छते हैं कि हमारे घर में हो और जो बाहर से हमें ना परचेस करनी पड़े, वो भी ऑर्गेनाइज़र आप घर पे ही बना सकते हैं। बस हैंगर ले लेना है, इस तरह से आपको ऐड कर देना है और मल्टी हैंगर का काम ये करेगा। बीच में यहाँ पर 3-4 हैंगर इसमें आपको लगा देना है और आपके जो भी कपड़े हैं थोड़े से स्पेस में आ जाएंगे, विजिबल भी रहेंगे, एकदम ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। तो आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले आइडिया की ओर। और आप इसको उल्टी साइड भी रख सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता हो उस हिसाब से आप इसको वार्डरोब में प्लेस कर सकते हैं। वार्डरोब में प्लेस नहीं करना हो तो हैंकी वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं। और बीच में लग रही थी भूख तो इस तरह से मखाना को फ्राई करके बना लिया है और बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा कि ये भी शेयर कर देती हूँ। अगले चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर।
यहाँ पर इस तरह की जो फैब्रिक कटर रहता है वो हम यूज़ करते हैं। जो मोटे भाग के लोग हैं उसको इस तरह की क्लिप्स कैसे यूज़ करना है, कटर कैसे यूज़ करना है वो पता नहीं रहता। इस तरह से हम एक एक जो धागा है वो निकालते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। रेड वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसको आपको नीचे रखना है और इस तरह से कैंची के जैसे आपको चला देना है, जल्दी से सारी सिलाई निकल जाएगी, अच्छी तरह से निकल जाएगी। और ये आइडिया पहले भी मैंने शेयर किया था, तो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर। यहाँ पर इस तरह के A4 साइज के पेपर रहते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ रहता है, नीचे एकदम ब्लैंक रहता है, या इस तरह की कॉपी बुक्स रहती है जो थोड़ी बहुत भर चुकी होती है, थोड़ी बची हुई रहती है, उसमें से इस तरह के स्क्वायर रेक्टेंगल पीसेस निकाल के आप डायरी बना सकते हो। और ब्लाइंडर जो की क्लिप रहती है या फिर सेफ्टी पिन वगैरह का यूज़ करके इस तरह से आप डायरी बना सकते हो। और आप इसमें कोई भी ग्रोसरी वगैरह लेना हो तुरंत लिख देना। कभी कभी हमें याद आता है और फिर हम लिखते नहीं तो फिर भूल जाते हैं। और फिर मैंने इसको फ्रीज के ऊपर नेट के जरिए चिपका दिया है। आई होप के आइडिया भी पसंद आएगा। अब चलते हैं इस तरह के जो टूथब्रश है जो ख़राब हो चुके हैं, जो पुराने हो चुके हैं, उसे फेंक देते हैं, तो अच्छा सा इसमें से हम क्लीनिंग टूल बना सकते हैं। आगे का पार्ट इस तरह से निकाल देना है, नीचे का पार्ट गरम करके फिर से ऊपर के पार्ट के साथ इस तरह से अटैच कर देना है। और आप देख सकते हो अच्छा से क्लीनिंग टूल्स बन चुका है। बहुत सारी घर की चीज़ें ऐसी रहती है जिसमें इस तरह के जो ब्रश है उसकी ज़रूरत रहती है, जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता या फिर हमें वो भाग है वहाँ पर हमारा हाथ लगने से चुभता है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह से, इस तरह के पुराने जो खराब हो चुके बेल्ट है वो आपको ले लेना है। और यहाँ पर हम अच्छा सा एक स्पेस सेविंग आइडिया अपनाएंगे। बीच बीच में आपको नाइफ से या इस तरह के सीजर से बीच बीच में इस तरह से कट लगा लेना है। और आप चाहो तो बड़ा बेल्ट लगा सकते हैं, दो बेल्ट को ज्वाइंट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से आपको बकल है उसमें फंसा देना है और इस तरह से एक चीज़ बन जाएगी। फिर जो भी होल हमने लगाए हैं उसमें इस तरह से हैंगर लगा देने हैं, और मल्टीपल हैंगर यहाँ आप यूज़ कर सकते हो। वार्डरोब में आइडिया अपना सकते हैं, बहुत सारा स्पेस है वो आपका बचाएगा। और जिसका छोटा वार्डरोब है उसको तो ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। बीच में सीटियों की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो इसके लिए सॉरी फॉर देट वन। यहाँ पर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की ओर। फिर आप इसको जो वार्डरोब के रोड है उसमें आप हैंग कर सकते हो। यहाँ पर दो चीज़ें भी आप कर सकते हो। एक हैंगर मैंने लिया है जिसमें हम दुपट्टा, इसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है, उसके अंदर मैंने इसको भी इंसर्ट कर दिया था, तो दो का काम है वो एक में हो जाएगा। उसी तरह मेरी बेटी में ये हैक आपके साथ शेयर किया है। इस तरह की बड़ी सी लंबी शर्ट हो तो उसको स्टाइलिश बनाने के लिए नीचे का बटन खोल के ऊपर के बटन में इस तरह से गांठ लगा के इंसर्ट करके फिर खींच लेना है और अंदर की ओर फंसा लेना है। आई होप के आइडिया पसंद आया हो।